तो जी का, दीपक जी का, अलग अलग जितने भी संगठन है उठ करके आते हैं, मिलते हैं, ग्रुप आते हैं, मिलते हैं, लोगों को आश्वासन मिलता है, बस 20 दिन में साहब इनके लड़ाई में अभी तक टेंडर की क्या प्रक्रिया है आपको जान लीजिए। ये लोग पैसा के कमीशन के चक्कर में छात्रों को नर्क में डाले हुए हैं, कभी शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, कभी राजभवन से कुछ आते सारा गोरावी सब बदल गए हैं। विरोध कर दिया था तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हम लोगों की बात घंटों बात हुई, उन्होंने भी बताया कि दिसंबर लास्ट तक हर हालत में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों के राज्यपाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलाया गया, वहाँ से भी बोला गया कि दिसंबर लास्ट तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन अब मजबूरन हो गया कि नहीं हुआ तो हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा। इसीलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं और पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रोड को जाम करके रखे हैं। और हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी हिंसक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग छात्र हैं, अपनी जो एकता है उसको भी बतलाने की जरूरत है और हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, सब इंसान है, इसका भी परिचय देने की जरूरत है। लेकिन चीजें जो है, एक चीज और है कि पब्लिक लोग भी रुके हुए हैं, उन लोगों का भी चीजों को हम लोगों को समझना होगा और आज के आज ही बैठ करके कि अगर हम लोगों को आज ही बैठना है तो अनिश्चितकालीन के लिए विश्वविद्यालय में तालाबंदी करके पूर्ण शांति पूर्ण रूप में बैठने का काम करें, नहीं तो फिर आगे का कोई कार्यक्रम है सभी लोग सहमत नहीं, सब लोग अपना अपना राय दे दीजिए, आप लोगों को जो ओपिनियन सब लोगों का आएगा वही ओपिनियन पे काम होगा, किसी का दखलंदाजी नहीं रहेगा, जो सार्वजनिक जो रहेगा उसी बात पे हम लोग अडिग रहे हैं। सर हम रात गुजारने के लिए तैयार हैं, हम लोग पिछला आंदोलन में भी हम आए थे और यहाँ का हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, बिल्कुल आए थे, आगजनी किए थे भाई, दो मिनट में खाली करवा दिए थे डीएसपी साहब, एक एक बजड़े का नहीं, इसका चार को भाग जाएगा ऐसे ही, सही बात बोल रहे, दूसरा के बाद ना रहा है, आज बस लहरा दोगे चार को पर इन लोग दिए हुए हैं आवेदन, हम लोग एफआईआर हो जाएगा, एक मिनट भैया, उन लोग पर छोड़िए ना, चार को गल से पकड़ा जाएगी, एफआईआर हो जाएगा ना, लेवल पर क्या करेंगे हम लोग, लिखित रूप से इतना शांति से खाली बैठे रहेगा, इतना प्रेशर बन गया है, लिखित रूप से किसी हाल में करना है, अभी रात तक बैठेंगे 8 बजे तक, हम चाहते हैं कि भैया शांति भैया बोले बैठेंगे, हम दो शब्द केवल आप लोगों के सामने रखेंगे, मेरा नाम दीपक है, हम औरंगाबाद से रहने वाले हैं, नगर विश्वविद्यालय छात्र संघ में पहले हम सचिव भी रहे, अभी सीनेट मेंबर हैं हम, आप लोग को लगता होगा कोई भी, सब लोग अलग अलग जिला और घर से रहने वाले हैं, कई बार अलग अलग एक ग्रुप बना के संगठनों के द्वारा और व्यक्तिगत 48 दिन तक यहाँ लोगों ने आंदोलन किया, अलग अलग बड़े बड़े नेता आए, लोगों विश्वविद्यालय के अधिकारी कितने मतलब बेहुदा कही एकदम, जितना नीचे गिरा हुआ कही, 48 दिन तक जब छात्र आंदोलन करते हैं आश्वासन के रूप में उनको किसी न किसी तरह से बड़े बड़े लोग आते हैं आश्वासन देते हैं, साहब बीएड का परीक्षा परिणाम चाहे वह पीजी का परीक्षा और परिणाम चाहे वह वोकेशनल में जितने बड़े बड़े कोर्स हैं, अलग अलग छात्रों को अलग अलग समय दिग्भ्रमित किया जाता है, 5 जिला से जुड़ा हुआ यह विश्वविद्यालय अभी है, अभी 5 जिला 175 कॉलेज एफिलिएटेड, अभी आप समझ लीजिए इस बात को, जब छोटा बड़ा मामला आंदोलन आएगा ये सारे लोग इनको उनको उनको कल एक महीना में कर देंगे, हम पिछले जवाहर प्रसाद जब वीसी के रूप में फुल फ्लेज ज्वाइन किए, चार को लोग देखते रहे, अधूरा ज्वाइन नहीं किए भैया, देखते रहे अधूरा ज्वाइन नहीं, फुल फ्लेज जब ज्वाइन किए, फुल फ्लेज ज्वाइन करने के दौरान हम उसे मिले, हमसे वह क्या बोलते हैं कि 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने का समय दीजिए, हम सभी तरह के सॉल्व समस्या कर देंगे, हम रजिस्ट्रार से मिले, हम आर के सिंह कुलपति से मिले, सब लोग मिला इसमें से, इसमें संतोष जी का, दीपक जी का, अलग अलग जितने भी संगठन है उठ करके आते हैं, मिलते हैं, ग्रुप आते हैं, मिलते हैं, लोगों को आश्वासन मिलता है, बस 20 दिन में साहब इनके लड़ाई में अभी तक टेंडर की क्या प्रक्रिया है आपको जान लीजिए, ये लोग पैसा के कमीशन के चक्कर में छात्रों को नर्क में डाले हुए हैं, कभी शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, कभी राजभवन से कुछ आदेश आ जाता है कि कॉपी भूल गया कभी, तो ये है कि ये आंदोलन अगर हम शांति से चलाएंगे तो परिणाम निकल के आएगा, अन्यथा जैसे ही अशांत होंगे
जैसे ही हम अशांत होंगे एक ग्रुप तैयार है कि अगर आप लोग भी कुछ ना करिए तो कुछ करके आपको बदनाम कर देगा, कुछ करके आपको बदनाम कर देगा। अपना कुछ करिए, फोड़ने के लिए रेडी है। हाँ, बात आप समझिए। इसलिए हम इतने लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि सारे लोग अगर मिलकर अगर इस चीज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो भाई मेरे चार दिन का संघर्ष जो चार साल से इंतजार कर रहे हैं वो परिणाम में बदल जाएगा। और आप इस जिला से शुरू किया है, कल औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सब जगह इसको शुरू कराया जाएगा। जो जहाँ के छात्र हैं अपने यहाँ शुरू कराइए और 2023 हमारे लिए सुनहरा अवसर दे दे, 2022 समापन है, 23 सुनहरा अवसर दे दे। और मात्र इसका यही विकल्प है कि हम जहाँ भी आंदोलन करें शांतिपूर्वक करें। आज 48 दिनों तक जब विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन दीपक जी और बाकी लोग कर रहे थे तो किसी ने इसलिए नहीं बोला कि लोग शांति से सोए हुए थे, साहब हमको मारना है मार लीजिए लेकिन हटेंगे नहीं जब तक हमको। इनको दिग्भ्रमित करके वहां से उठाया गया, एक सप्ताह में दे देंगे, 10 दिन रहे, 10 बार इनके कुलपति आवास पर मीटिंग हुई, उसमें कई लोग यहाँ थे, 20 छात्र गए थे कुलपति आवास पर मीटिंग हुई, लेकिन परिणाम निकल के क्या आया, परिणाम निकल के ये आया कि छात्रों को केवल बेवकूफ बनाने का काम किया गया। इसलिए हम सब शांति से किसी भी सूरत में हम कोई अहिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, हम आराम से एकदम शांति पूर्वक यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। और इसको लंबा चलाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय से जो जुड़े लोग हैं, कैंपस से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ नेतृत्व करेंगे, और जिला जिला पर सभी महाविद्यालयों में कंप्लीट घोषणा करके योजना बना के, कोई राजनीतिक नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हमारा लड़ाई कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। हमारा लड़ाई सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि परिवर्तन के खिलाफ है। हमारे सब लोग चाहता है कर्मचारी को वेतन चाहिए, कर्मचारी को पेमेंट चाहिए, प्रोफेसर को पेमेंट चाहिए, हमरो तो परीक्षा परिणाम चाहिए। हम भी तो जो लड़का 3 साल से 5 साल तक तैयारी करता है, पटना जाके पढ़ता है, गरीब छात्र, वो आपस घर आ गया बैग एंड बैगेज लेकर कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब ना तैयारी करेंगे, बैगन दूध बेच रहा है, वापस आ गया। और कई छात्र हमारे यहाँ छात्र आत्महत्या तक कर लिया, और ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग बहुत एकजुट नहीं है, अलग अलग गांव देहात से रहने वाले लोग हैं, अलग ही दिल्ली उल्ली बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय रहता है तो तुरंत आदमी एक जगह हो जाता है। हम लोग एक जगह इसलिए नहीं है कि कैंपस मुख्यालय से अलग अलग जगहों से बहुत दूर है। आप लोग सारे लोग बढ़िए, तन मन धन सब व्यवस्था होगा, और विश्वविद्यालय के अधिकारी जितने लोग पैसे पर बिके हुए लोग हैं ना कोई नहीं आएंगे, कोई काम नहीं करेगा अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपके बातों का जवाब नहीं दे सकता है। वो कभी नहीं दे सकता है आपके बातों का जवाब। जब 48 दिन तक कोई धरना प्रदर्शन करता है उनके पास जवाब नहीं है, तो आज हम लोग एक दिन बैठ गए तो उनको दिक्कत लगने लगा। हम लोग एक दिन नहीं यहाँ पर, हो सकता है एक महीना बैठेंगे यहाँ रोड बना, हो सकता है एक महीना बैठे। इसलिए इसको चलाने के लिए बस किसी से बस गोड़ हाथ पर लेंगे कि भैया आप हमारा सहयोग करिए, आप हमारे आंदोलन में सहयोग करिए। हम उनके ऊपर किसी भी तरह के ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर जो है लोग हावी हो जाए। और बाकी संघर्ष का परिणाम हमेशा मीठा होता है, परिणाम मीठा आएगा, 2023 सुनहला ले आएगा। इसलिए सब लोग मिल के इसको संघर्ष को बढ़ाएंगे। इसलिए जितने लोग हैं यहाँ लोकल जो देखिए परमिशन लिए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हम समझ सकते हैं परमिशन लेने वाला के ऊपर कितना बड़ा जिम्मेवारी होता है। तो जैसा इनके माध्यम से चलाया जाएगा, क्योंकि परमिशन ही नहीं, ऑलरेडी लिखित लिए हुए हैं, लेटर कंट्रोलर का फोन दिया है, डॉक्टर से परेशान समझे लिखित, बाकी हम आप लोग को पॉजिटिव है, जैसा अक्रोस रूप से करना, बाकी पैसेंस रखना शांति से सब पिछले बार आंदोलन रिजल्ट देखना चालू हो गया भैया, गया कभी कोई 2-3 क्लास से भी रिजल्ट आया है, वहाँ पे कोचिंग बंद कर दिया गया है, लड़कों को यहाँ भेजा गया है, यहाँ पे रहे ना, तो गया नवादा और औरंगाबाद फूक चुके हैं, ठीक है, आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, विश्वविद्यालय कुलपति मुर्दाबाद, मगर विश्वविद्यालय कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मगर विश्वविद्यालय कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मगर विश्वविद्यालय कुलपति शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बोलना चाहते हैं, बोल रही है
पटना वाले लोग बोल रहे हैं कि कभी पटना नहीं पहुंचते। दीपक भैया आपसे एक सजेशन लेना चाहते कि एक यहाँ तो कर ही रहे हैं, यहाँ से परिणाम नहीं सारे लोग सुन लीजिए, छोटा सा भाई आगे के नहीं देखिए, पटना के राजनीति आपका फ्लॉप कर जाएगा। जितने लोग अगर सुझाव दे रहे हैं पटना चले, नहीं हम लोग मदद करिए, सुन लीजिए सारे लोग बोल रहे हैं। पटना में 500 लड़का पहुंचेगा, 1000 पहुंचेगा, 2000 पहुंचेगा, 5000 पहुंचेगा, 10000 पहुंचेगा, 10000 पटना पता नहीं चलता है क्या दीपक जी, 10000 पटना पता नहीं चलता है, 10000 के लिए पुलिस व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन 10000 जिस दिन यहाँ पहुंचेगा ना मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। देखिए हाँ जागरूक आप सारे लोग इसमें जितने लोग हैं सारे लोग सोशल मीडिया पर सारे लोग हैं, इतने लोग अगर सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जिस दिन डेट फिक्स हो जाए भाई सब काम छोड़ के समय तो 5 साल हो गया तो प्रमोट करवाइए ना भैया, यूनिवर्सिटी कैसे मान्य करेगा, कोविड में तो एक सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, इसको कैसे करेगा यार, अदर स्टेट में तो हो रहा, यूपी में हुआ।